हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदील और आप देख रहे हैं द बायो मॉड्यूल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन सिरिंज पंप की, जो कि ये हमारे पास एक माइंडरे का बिन फ्यूजन SP3 सिरिंज पंप है। इसकी हम आपको डेमोस्ट्रेशन करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये इसका मेन स्क्रीन है, उसके साथ इसका न्यूमेरिक की जो हैं स्विचेस हैं, और उसके साथ इसके सेंसर और सिरिंज को इंसर्ट करने के लिए प्लेस बनी हुई है, और उसके साथ सेंसर हैं और इसको क्लोज करने के लिए सेंसर को सिरिंज को ग्रिप करने के लिए ये स्पेस बनी हुई है। और इसी तरह इसके एंड के ऊपर जो है वो सिरिंज को पकड़ने के लिए उसका कितनी सिरिंज जो आपने इंसर्ट की है उसको पकड़ने के लिए उसका इन्फ्यूजन जो है वो देने के लिए उसको ग्रिप करते हैं। अच्छा, ये मेन्यू के बटन हैं और बाकी डिफरेंट स्विचेज हैं। और इसी तरह ये इसका बैक सेक्शन है, जिसके ऊपर इसका मॉडल, सीरियल नंबर, कंपनी और इसका प्लग, पावर प्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। अच्छा, अभी ये इसको जो है वहाँ मैं आपको सिरिंज लगा के दिखाता हूँ। सिरिंज को सबसे पहले तो आपने इसको पुल आउट करना है, जिसका प्लंजर है। उसके बाद आप मेरे पास जो है एक 50 to 60 ml की जो है एक सिरिंज अवेलेबल है। इसको मैं एज ए सैम्पल के तौर पर, डेमो के तौर पर इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। ये तरीका है इसको इंसर्ट करने का। उसके बाद इसको बंद कर देना है और पीछे से आपने उसका ग्रिप जो है वो भी लगा देना, क्योंकि उसकी ग्रिप के अंदर भी सेंसर है और पीछे भी सेंसर है। इसी तरह ये एक 10 ml की सिरिंज है, उसी को भी इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सिरिंज इंसर्ट करने का तरीका। अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। तो पावर ऑन करने से सबसे पहले ये सेल्फ टेस्ट करता है, उसके बाद इसकी मेन स्क्रीन आ जाती है, जिसके ऊपर सेटिंग डिफरेंट दी हुई है आपने। मैंने अभी 3 ml का रेट सेट किया और 10 ml की सिरिंज है, और इसको मैंने स्टार्ट किया है तो अभी उसने इन्फ्यूजन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये इसके साथ इसका टाइम भी चल रहा है और उसको इंडिकेटर भी बता रहा है कि इसकी इन्फ्यूजन प्रॉपरली हो रही है। तो इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ और इसके बाद जो है वो किस तरह से काम करता है। अभी मैंने इसको पुल आउट किया है तो वो अलार्म दे रहा है कि आपका जो सेंसर है वो उसके अंदर सिरिंज है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अभी मैं इसको दोबारा फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा इसको फिक्स किया और इसको बंद किया है तो अभी उसने सिरिंज भी डिटेक्ट कर ली है कि आपकी 10 ml की सिरिंज है, और इसके बाद इसको वो जो एरर है वो भी ख़त्म हो गया है। तो फर्दर अभी हम जो है ना इसको इसके जो मेन्यू है उसके अंदर चेक कर लेते हैं कि इसके मेन्यूज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो मेन्यू में सबसे पहले इसका वॉल्यूम आ जाता है, उसके बाद इसके मोड्स की सिलेक्शन है, जनरल ऑपरेशन है, सिस्टम ऑपरेशन है। तो जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये डिफरेंट टाइमिंग, वॉल्यूम और बाकी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, जिसको आप डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हैं। जब मोड्स में बॉडी रे वेट मोड है और बाकी मोड्स हैं, इस तरह से डिफरेंट मोड्स जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं जो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो है वो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जनरल ऑप्शंस हैं, उसके अंदर प्रेशर और बाकी चीज़ें जो हैं वो दिए गई हैं, जिसके अंदर आप वो चेंजिंग कर सकते हैं। सिस्टम ऑप्शन के अंदर जाएं तो वॉल्यूम, साउंड, ब्राइटनेस और बाकी चीज़ें, और इसी तरह मेंटेनेंस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट मोड्स में जाके डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल इसका ऑपरेशन। इसी तरह स्टार्ट, स्टॉप, ब्लाउज का मेन्यू और ऑन ऑफ और बाकी पावर, इस तरह के मेन्यूज़ हैं। तो सिंपल इसका ऑपरेशन है। इसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको किस तरीके से चला सकते हैं। सिंपल ऑपरेशन है इसका। तो ये थी आज की डेमोस्ट्रेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।